हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। और दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही शानदार तरीके से एनिमेशन और पिक्चर्स लगा के आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम हमारी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं। उनमें से कई सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो एयर, वाटर, सोयल और मिनरल्स आदि आते हैं। ये सारे जो मटेरियल्स हैं हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, पहला वाला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ऐसा है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में है, और ये कभी भी हम लोग इनको एग्जॉस्ट यानी समाप्त या खत्म नहीं कर सकते। चाहे हम इनके साथ में कितनी भी एक्टिविटीज करें, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे कि सनलाइट और एयर, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें या हमेशा मिलते रहेंगे, इसीलिए इन्हें इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अगला है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी अमाउंट हमारे पास लिमिटेड है। इन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा अत्यधिक यूज करने पर एग्जॉस्ट या समाप्त किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इन एग्जॉस्टिबल का मतलब जो पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी खपत हम नहीं कर पाएंगे, और एग्जॉस्टिबल का मतलब है जो लिमिटेड मात्रा में है। इस चैप्टर में हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका निर्माण लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, जैसे कि फॉसिल्स, उनसे होता है। इसी कारण से इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। जो आपके सामने कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन, प्रोपेन, ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से पहला है कोल। आपने कोल को देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही हार्ड होता है, पत्थर की तरह, और इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। कोल को खाना पकाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे पहले रेलवे के इंजन्स में भी इसे काम में लिया जाता था, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इंजन को आसानी से चलाया जा सके। इसका जो प्रयोग है थर्मल पावर प्लांट्स में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसी के साथ साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, उनमें भी कोल का प्रयोग किया जाता है। अब हम कोल की स्टोरी के बारे में जानेंगे। लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, अर्थ पे बहुत अधिक घने जंगल थे। और वो कौन से इलाके में थे, नीचे रहने वाले जो एरियाज थे, जो कि अक्सर पानी से भरे हुए रहते थे, उनमें बहुत अधिक जंगल थे। और नेचुरल प्रोसेस के कारण, जैसे कि फ्लडिंग, धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है वो मिट्टी के अंदर दफन होने लगे, और उनके ऊपर सोयल की परत जमने लगी, और धीरे धीरे वो कंप्रेस यानी दबने लगे, और धीरे धीरे टेम्परेचर वहां बढ़ने लगा, और वो और ज्यादा वो गहरे जाते गए। और बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हुआ कि ये जितने भी डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से जो कोल है उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। और धीरे धीरे इस प्रोसेस से जो डेड वेजिटेशन है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसे काहे से निर्माण किया जाता है, वेजिटेशन के रिमेन से, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। जब हम इसे गर्म करते हैं
तो कोल क्या होता है, वो जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और कोल का बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग किया जाता है, ताकि बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक, कोल टार और कोल गैस प्राप्त किया जा सके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कोक क्या होता है। कोक एक बहुत ही टफ और पोरस, पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये लगभग जो है कार्बन की प्योर फॉर्म होता है। कोक का विशेषतः हम लोग प्रयोग करते हैं स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, और भी बहुत सारे तरीके के जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कोल टार के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, कोल टार क्या होता है, एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है, जिसकी जो गंध जो होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट या बेकार होती है। ये एक मिक्सचर होता है लगभग 200 सब्सटेंसेस का। कोल टार से जो प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में, वो कई प्रकार के इंडस्ट्रीज में और रोजमर्रा के जीवन में काम में आते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पैंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, इन सब में कोल टार का प्रयोग किया जाता है। आपको ये जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा, नेप्थिलीन बॉल्स जो होती है, जो कि कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है, वो जो भी है वो भी कोल टार से ही बनती है। इन दिनों बिटुमेन, एक पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट होता है, उसे कोल टार की जगह प्रयोग किया जाता है रोड्स की मेटलिंग के लिए। अब पढ़ेंगे कोल गैस के बारे में। कोल गैस जो है, कोल से जो कोक बनाने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें प्राप्त होती है। ये फ्यूल के रूप में कई इंडस्ट्रीज में काम में ली जाती है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नजदीक होती है। कोल गैस का पहली बार यूज किया गया था स्ट्रीट लाइट्स में लंदन में 1810 में, और उसके बाद में न्यूयॉर्क में 1820 में इसका प्रयोग किया गया था। आजकल इसे लाइट के बजाय हीट का एक सोर्स माना जाता है। पेट्रोलियम, आप लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो एक फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। जितने भी छोटी छोटी गाड़ियां होती है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार, और हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं जैसे कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, वो सारे जो हैं वो डीजल से चलते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है वो दोनों क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें पेट्रोलियम कहा जाता है। क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोलियम का निर्माण सी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के कारण से होता है। जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और उनकी डेड बॉडी जो है वो धीरे धीरे सी का जो बॉटम होता है, नीचे जो पैंदा होता है, वहां सेटल डाउन हो जाती है, और धीरे धीरे उस पे मिट्टी की और क्ले की जो परत है, लेयर्स हैं, वो आती जाती है। और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में जब इनको एयर की सप्लाई नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है, तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दुनिया का जो पहला ऑयल वेल था वो ड्रिल किया गया था पेनिसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में है। 1859 में इसे ड्रिल किया गया था। उसके 8 ईयर्स बाद में 1867 में असम में जो मकूम है वहां पे भी ऑयल निकाल लिया गया था। इंडिया में ऑयल जो है आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, और गोदावरी और कृष्णा नदी के जो बेसिन्स हैं वहां पे मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इसकी जो गंध होती है वो बड़े ही अनप्लीजेंट होती है। ये एक मिक्सचर होता है कई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और भी कई सारी चीजें। और हम जिस प्रोसेस से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं उसको रिफाइनिंग कहा जाता है। और ये जो रिफाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर की जाती है। अब हम पेट्रोलियम के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके यूजेस हैं उनके बारे में जानेंगे। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे एलपीजी कहा जाता है,
इसका घर में और इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में और ड्राई क्लीन में इसका सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। केरोसिन, केरोसिन का यूज स्टोव्स, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट में फ्यूल के रूप में किया जाता है। डीजल, डीजल का प्रयोग हैवी मोटर व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में फ्यूल के रूप में किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इसका ल्यूब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है जितनी भी मशीनरी होती है उनको चिकनाई देने वाला जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जो होता है वो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलिन्स जैसे पदार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। बिट्यूमेन, बिट्यूमेन का जो प्रयोग किया जाता है वो पेंट्स में और रोड सर्फेसिंग में किया जाता है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेचुरल गैस जो है उसे स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के अंदर एज सीएनजी। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो है उसे उपयोग किया जाता है पावर जनरेशन के लिए और आजकल इसे व्हीकल ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के रूप में भी काम में लिया जाता है क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत कम करती है, ये एक बहुत ही क्लीनर फ्यूल है। सीएनजी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है घरों में, फैक्ट्रीज में, जहां भी इसकी सप्लाई पाइप के द्वारा होती है। इस तरह का जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो वडोदरा गुजरात में है और इसी प्रकार से दिल्ली और अन्य स्थानों भी देखने को मिलता है। नेचुरल गैस जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल जो कि बहुत सारी केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में होता है उसमें भी काम में लिया जाता है। नेचुरल गैस जो है वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज जो है उनमें मैन्युफैक्चर में भी प्रयोग किया जाता है। इंडिया में नेचुरल गैस का बहुत अधिक भंडार है। हमारे देश में नेचुरल गैस जो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में काफी मात्रा में है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि लिमिटेड है, जैसा कि आपने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स। आप जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स है, इसलिए इनका निर्माण होने में कई डेड ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जो इनके रिजर्व्स हैं वो केवल कुछ ही 100 ईयर्स के लिए सफिशियंट है। तीसरी बात ये है कि इन फ्यूल्स को जब हम प्रयोग करते हैं तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है और इसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि इन फ्यूल्स को हम तभी काम में लें बहुत ज्यादा जरूरी हो। इससे क्या होगा, हमें आने वाले समय में अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और ये जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं ये लंबे समय तक हम लोग काम ले पाएंगे। इंडिया के अंदर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जिसे पीसीआरए भी कहा जाता है वो एडवाइज करता है सभी लोगों को कि आप लोगों को पेट्रोल और डीजल जो है ड्राइविंग के दौरान बचाना है और उसके लिए ये टिप्स आप अपना सकते हैं। कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे अपनी गाड़ी को जहां तक हो सके चलाना है। ट्रैफिक लाइट्स या जहां भी आपको रुकने की आवश्यकता हो वहां पे अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। आपकी गाड़ी में जो टायर है उनके प्रेशर को सही रखें और समय समय पे अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस भी करवाएं ताकि पोल्यूशन कम हो। अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। हमने ये देखा है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से बनते हैं और इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। कोक, कोल टार और कोल गैस हैं वो कोल के प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे पेट्रोलियम को रिफाइन करने से प्राप्त किए जाते हैं। कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं
वो लिमिटेड है, इसलिए हमें बहुत ही समझदारी के साथ में इन्हें प्रयोग करना चाहिए।